बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंजीनियर मोहम्मद नजीब हारून साहब, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मेंबर नेशनल असेंबली, डॉक्टर सरोज लोधी साहब, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, इफ सम ऑफ पेरेंट्स आर हियर, आई डोंट नो, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज मे आई स्पीक इन उर्दू बिकॉज आई कैन सी एनी फॉरेनर सिटिंग हियर, सो आई थिंक मे बी आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल इन उर्दू। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर आके, लेकिन जो कॉन्वोकेशन मुझे मेरे जहन में नक्श है, वो एक बहुत बड़ा कॉन्वोकेशन था जो बाहर ग्राउंड में हुआ था, और उसमें तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फैकल्टी सब आए थे। बहुत सारे लोग थे, मेरा ख्याल है कि 7-8 हज़ार के करीब उसमें लोग होंगे। और जब से मैं गवर्नर बना हूँ, बिकॉज 20-25 साल हमने पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, पब्लिक एड्रेसिंग और सारी चीज़ों में, और जब उसके बाद जब हमें उसकी आदत पड़ गई, तो फिर मैं गवर्नर बन गया, तो पब्लिक इंट्रैक्शन, पब्लिक वो ख़त्म हो गया हमारा। तो ये एक ओकेजन मुझे मिलती है जिसमें मैं इंजॉय करता हूँ। बाहर देख के मैं बड़ी लालच मुझे हो रही थी कि मैं सरोज साहब से कहूँ कि मैं शाम को आ जाता हूँ, तो सरोज साहब ने थोड़ी सी बेईमानी की हमारे साथ इस दफ़ा, तो आइंदा ना कीजिएगा सरोज साहब ये। थैंक यू। मुझे अभी याद आ रहा था जब सरोज साहब ने कहा कि नजीब हारून साहब को मैं नजीब भाई कहता हूँ, तो हम भी इनको नजीब भाई कहते थे। जब मैंने पार्टी ज्वाइन की तो नजीब साहब कराची के प्रेसिडेंट बने, और एक बड़ा फेमस नारा उस ज़माने में लगता था कि सब बहनों का एक ही भाई, नजीब भाई, नजीब भाई। और वो बहुत पसंद नहीं था उनको नेचुरली, बिकॉज ही वॉज वेरी यंग, बट आई होप अब नाउ ही वुडंट माइंड दैट। कंग्रेचुलेटिंग टू ऑल ऑफ यू फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड, और अभी ज़िंदगी में जो आपने आगे अचीव करना है। ये यकीन जानिए कि हुकूमत पाकिस्तान और इमरान ख़ान का मुकम्मल भरोसा है अपनी यूथ के ऊपर, और इसी भरोसे को देखते हुए उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे आप सब भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस लोन प्रोग्राम के तहत आप तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक का लोन आपको बहुत सॉफ्ट टर्म्स पे आपको मिलता है, और ये आपके उस गैप को ब्रिज करता है कि जब आप इस यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, ज़ाहिर है कि आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स इस एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो अपने ख्वाबों को कुर्बान करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश देखते हैं। क्योंकि ये भी एक अल्लाह ने एक अजीब सिलसिला बनाया है माँ बाप का, जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि यार चलो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी कर लूँ, लेकिन अपने बच्चे को मैं कामयाब होते हुए देखूँ। और ये एक बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी अटैचमेंट के, बग़ैर किसी एक्सपेक्टेशन के ये होता है कि मैं, ये मेरी पैशन है कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए, कुछ बड़ा आदमी बन। तो वो जब आप यहाँ से निकलते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपके ख्वाब होते हैं, आपके पास आइडियाज़ होते हैं स्टार्टअप्स के लिए, आपके पास दुनिया भर में स्टार्टअप्स आर वेरी सक्सेसफुल दीज डेज, क्योंकि वो जो एक फ्रेश ब्रेन, जो एक नया आइडिया लेकर आता है, वो स्टेल हो जाता है जब तक उसको उस आइडिया का फाइनेंस जमा करते करते वो फिर गिव अप कर चुका होता है उस आइडिया को। सो इसके लिए आपको ये बहुत बड़ा गैप ब्रिज करके दिया जा रहा है कि जिसमें आप कामयाब जवान के तहत ये काम कर सकते हैं कि आप अपने जो फ्रेश आइडियाज़ हैं स्टार्टअप के लिए, जो आपके जहन में चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, तो वो आप फौरी तौर से शुरू किए कर सकते हैं। मैंने कल बात की थी उस्मान डार से, जो कामयाब जवान को हेड कर रहे हैं, कि कम से कम कराची यूनिवर्सिटी और एनईडी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर इसका हेल्प डेस्क बना दिया जाए, ताकि बच्चे यहीं से फारिगुल तहसील होते हुए या होने के बाद वो यहीं से अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही से यहाँ से अप्लाई भी कर सकें और उनको असिस्टेंस भी मिल सके। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अवेल। हुकूमत पाकिस्तान अपने यूथ के ऊपर भरोसा कर रही है। पाकिस्तान एक यंग नेशन है, हमारे यूथ के अंदर पैशन है आपके अंदर, क्योंकि जो सक्सेस स्टोरीज हम देखते हैं अमेरिका में, उसे अमेरिकन ड्रीम कह के पेश किया जाता है। उसमें दिखाते हैं कि ये शख्स $500 लेकर अमेरिका आया था,
और आज इलॉन मस्क ये बन गया जो टेस्ला का ओनर है, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन यूएस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरी को नेगेटिवली पेंट करने की आदत है हमें। हमें अगर किसी शख्स का माजी पता होता है तो हम ये कहते हैं कि ये इसको मैं जानता हूँ, 10 साल पहले मोटरसाइकिल पर जाता था, आज मर्सिडीज में जा रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है इसने। मैं आपको बताऊँ, हमारे पास अगेन आई एम सॉरी नजीब भाई, आई एम कोटिंग यू, हमारे पास इसी डेस्क पे कामयाब आदमी बैठा हुआ है पाकिस्तान का, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर, मोहम्मद नजीब हारून, हु स्टार्टेड हिज करियर बहुत ही लोअर लेवल से। यानी ये मुझे खुद बता रहे थे कि जब ये पढ़ रहे थे तो उस वक्त साथ साथ पीआईए में जॉब भी कर रहे थे रात को। सो ही डिडंट इनहेरिट एनीथिंग। इसी पाकिस्तान में, इसी में बताने का मकसद यह है कि जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में आपको अमेरिका जाना पड़ता है, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस ज़मीन की मिट्टी में है मौजूद। यू ओनली नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू बिलीव इन यू एंड योर कंट्री। और ये मुल्क आपको दुनिया में कोई ये अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा जो ये मुल्क कर रहा है, और दुनिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं जो इस मुल्क के अंदर है। देखें, ग्रोइंग कंट्रीज़ के अंदर वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और पाकिस्तान में तो बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके डिपार्टमेंट, आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इसकी अपॉर्चुनिटी तो लामतना ही है। इसके अंदर तो स्काई इज़ द लिमिट। यहीं से फारिग हुए एक और हमारे दोस्त, जो वो भी मेंबर नेशनल असम्बली है, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर हैं। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्सपेयर्स। सो दिस वेरी इंस्टीट्यूट हैज़ प्रोड्यूस्ड सो मैनी सक्सेस स्टोरीज, वी नीड टू टेल ईच अदर। मैं तो समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सक्सेस स्टोरीज हैं, उन्हें हमें हाईलाइट करना चाहिए। वो हमारे आने वाली नस्ल के लिए एक मशले राह होना चाहिए कि वो उसको फॉलो करें, देखें कि इन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की है। एंड विद योर आइडियाज़ एंड इनोवेशन एंड योर पैशन और कंपैशन जो आपके अंदर इस वक्त मौजूद है, उसे इस्तेमाल करने का भरपूर मौका ये है। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ सरोज साहब, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट कन्वेंशन आप बड़ा वाला देंगे जिसमें मैं जलसा समझ के तकरीर करता हूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।